बता। इसमें बता इसमें इसमें अरे अद्दा माजी फटकली, एक बार तो सही बताओ। अच्छा ठीक है, अब तुम करो और मैं बताता हूँ। ओके। अरे बच्चों ये क्या कर रहे हो? वो तो बस हम ऐसे ही खेल रहे थे। अरे बच्चों ये खेल नहीं, जुआ है। जुआ? जुआ? हटाओ इसे सब। अरे आप लोग आ गए? हाँ। अरे महेश बापूजी, खाना टेबल पर लगा दे, आ जाइए। हेलो, आइए बापूजी। बापूजी आइए, आ गए, आ गए बापू। हां ये क्या बात है, शुभांगी नहीं दिखाई दे रही। अरे हाँ बापूजी, वो अपनी बचपन की सहेली से मिलने गई है, बहुत दिनों से गई नहीं थी ना। इसका मतलब खाना भी उसने नहीं बनाया? नहीं। बापूजी बापूजी, शुभांगी भाभी हर बार नया नया खाना बनाती हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने घमंड नहीं किया। अरे तो उसे ये कहो कि कभी तो अच्छा खाना पकाए कि हम भी उसके ऊपर घमंड करें। जैसे हमें हमारी दोस्ती पे घमंड है। लेकिन घमंड करना तो बुरी बात है। मतलब अगर उसका दिखावा किया जाए तो, और हम अपनी दोस्ती का कभी दिखावा नहीं करते। मतलब हमें हर हाल में अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, अरे अपने दोस्त का साथ तो हमेशा देना चाहिए। हाँ। और अगर हमारा दोस्त दुखी है तो हम सुखी कभी नहीं रह सकते। हाँ, और सामने इतना अच्छा खाना हो और हम खाना ना खाए तो भी हम खुश नहीं रह सकते। हम आशा करते हैं कि हमारे वार से बाल परी को ज्यादा चोट नहीं पहुंची होगी। हाँ रानी परी, लेकिन जब बालवीर को पता चलेगा कि हमने बाल परी पर वार किया था तो उसके दिल को बहुत चोट पहुंचेगी। लेकिन रानी परी के पास इन्हें रोकने का और कोई उपाय भी तो नहीं था ना? अब खुद ही देख लीजिए क्या से क्या हो गई है हमारी बाल परी। हाँ, सच्चाई और अच्छाई के प्रतीक बाल परी आज खुद एक बुरी परी बन चुकी है। पर शुक्र है कि सब ठीक है, वरना आज कोई भी अनहोनी हो सकती थी। हमें और देर नहीं करनी चाहिए बाल परी के अमर संस्कार में। नहीं रानी परी, हम सब जानते हैं बाल परी के लिए ये बहुत ही मुश्किल समय है, लेकिन ऐसे ही समय में उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन नटखट परी, समझने की कोशिश कीजिए, हमें अपने से ज्यादा परीलोक की भलाई के बारे में सोचना है। इससे पहले कि बाल परी पूरी तरह से एक बुरी परी बन जाए, हमें इनका अमर संस्कार कर देना चाहिए। नहीं रानी परी, हमें लगता है कि हमें बालवीर का इंतजार करना चाहिए, और जब तक बालवीर वापस नहीं आता तब तक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम बाल परी की सारी शक्तियां वापस ले सकते हैं। हाँ बाल परी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। परियों, अब बाल परी बिना अपनी जादुई शक्तियों के एक साधारण परी है। अरे बच्चों ये लो तुम्हारे टिफिन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ। गजानन भाई। हाँ वहिनी। आपसे काम था। अरे वहिनी बोला ना। वो क्या है ना, महेश किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं और आज बच्चों की स्कूल फीस का लास्ट डे है, आप प्लीज भर देंगे। वो क्या है ना वहिनी, मुझे कुछ जरूरी पेपर्स देने के लिए बाहर जाना है, तो आज मैं खुद ही स्कूल नहीं जाने वाला। मतलब आज दो पीरियड फ्री। इसलिए मैंने भी सचिन और सलोनी के पास ही फीस के पैसे दे रखे हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी मानव के पास पैसे दे दीजिए, वो भर देगा। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन इतने सारे पैसे बच्चों को देना ठीक होगा? अरे वहिनी, बच्चे जैसे हमेशा स्कूल जाते हैं वैसे आज भी जाएंगे।
उसमें टेंशन वाली कौन सी बात है, और हमें फाइन भी तो बचाना है। हाँ। और सच बताऊं, मैं तो आप सुब पे विश्वास रखता हूँ। आप शुभ? आप शुभ? आज की बचत सुनहरे भविष्य की नींव है ना बाबा? हाँ, वेरी गुड बेटा, शाबाश। कोई नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो और मानव के पास पैसे दे दो। ठीक है। मानव, मानव बेटा ये पैसे संभाल कर लेके जाना और स्कूल फीस भर देना। हाँ और बच्चों, स्कूल पहुंचने के बाद अपनी क्लास शुरू होने के पहले ऑफिस में पैसे जमा कर देना। ओके? हाँ। ओके। वेरी गुड, चलो भागो भागो। बाय 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 बाय। अरे 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 बॉस, आज हमने तो कुछ किया भी नहीं, तुम्हें मार क्यों रहे हो? अभी तो कुछ नहीं किया, बट करोगे। और क्या ना, तुम अपना मुंह खोले बिना रह नहीं सकते ना। हाँ, वो तो है, पिज़्ज़ा की डिलीवरी और हमारे मुंह से आपका मजा कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। मेरी मार रोक सकती है। खाने के अलावा और कुछ आता है? अरे बॉस, आता है ना, बस आपके साथ मुर्गा बनना आता है क्लास के बाहर, आपका मजाक उड़ाना आता है। बेवकूफ, चुप करो और ये फालतू की बातें सोचना बंद करो, और ये सोचो कि उन टिड्डियों को हमारे स्कूल से कैसे निकलवाया जाए। अरे क्या बॉस, उनके जाने से आप कौन सा क्लास में फर्स्ट आने वाले हो? और बॉस, आपको पता है, आप क्लास में अकेले भी एग्जाम दोगे ना तो वो भी लास्ट आओगे। क्या मैं लिख के देता हूँ? हाँ, लिख के देता हूँ। हाँ, और मैं फर्स्ट। बॉस, हमारी शिकर वहाँ क्या कर रहे? चलो चलकर इन टिड्डियों की खबर लेते। हाँ। और हाँ, पीछे से अटैक करेंगे लोमड़ी जैसे। चलो तैयारी करो। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि सर ने बोला था अगर नितिन 3 महीने की भी फीस भर देना तो सर नितिन की मम्मी को फीस देने का मौका देंगे। अगर हम तीनों अपने फीस के पैसे नितिन को दे दे तो उसके 3 महीने की फीस हो जाएंगे, है ना? हाँ। तुमसे एक काम ढंग का नहीं होता। हमसे? चलो उनका पीछा करते। चल। सॉरी सॉरी। परी भयंकर, ओ परी भयंकर, मानिए मेरी बात, अगर है आपको अपनी जान बचानी तो अभी जाकर दे दीजिए बालवीर को बालपरी का जीवन शक्ति तारा। जान बचाकर तो बालवीर को भागना पड़ेगा इस बार, क्योंकि जिस रास्ते पे वो बढ़ रहा है वहां उसे मायावी और खतरनाक पुच्छल विशैली का सामना करना पड़ेगा। है? पुच्छल विशैली? हाँ, पुच्छल विशैली। उसके सामने बालवीर तो पल भी नहीं टिक पाएगा। चीते से भी फुर्तीली है वो, बिल्ली की तरह कहीं भी चढ़ जाती है। पुच्छल विशैली का सबसे खतरनाक हथियार है उसकी पूंछ। अग्नि से भी तेज जहर भरा है पूंछ की। कि अगर किसी को छू जाए तो एक पल में राख हो जाए। अग्नि से भी तेज जहर वाली पूंछ के सामने देखते हैं बालवीर कैसे टिक पाएगा। नितिन आ जाओ प्लीज, आ जाओ। नितिन आ गया, नितिन आ गया। जल्दी नितिन, ले पैसे दे
तेरे पास इतने पैसे कहाँ से हैं? तुझे क्या करना है, ऑफिस में जाके पैसे दे और अपनी फीस भर दे। हाँ। नहीं, मैं ऐसे किसी भी पैसे से अपनी फीस नहीं भर सकता। और पता नहीं तुम लोग ये पैसे कहाँ से लाए हो। नितिन, ये तेरे फीस के ही पैसे, और हम इसे गलत तरीके से नहीं लाए। हाँ। नहीं, मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता। क्यों, तू हमें अपना दोस्त नहीं मानता है? मानता हूँ। तो फिर आप दोस्ती किए तो निभानी तो पड़ेगी। ये ले तेरे पैसे। हाँ। इस सलोनी नितिन को इतने सारे पैसे क्यों दे रही है? बॉस, लगता है पिज्जा बर्गर लाने के लिए दे रही है। बॉस, आप भी दीजिए ना, हम भी पिज्जा बर्गर लेके आएंगे। अरे नितिन, नितिन तू क्या सोच रहा है? जा और जाके अपने स्कूल फीस भर दे, जा। अच्छा, तो ये पिद्दीश नितिन को स्कूल फीस भरने के लिए पैसे दे रहे। अरे जा। अब नितिन को कोई भी स्कूल से नहीं निकालेगा। हाँ। नहीं, अब भी एक प्रॉब्लम है। क्या? क्या? हमने अपने स्कूल फीस के पैसे नितिन को अपनी फीस भरने के लिए दे दिए। हाँ। लेकिन अब ये बात सबको पता चल गया और मम्मी पापा ने स्कूल में कंप्लेंट कर दी, तो कहीं स्कूल वाले नितिन से हमारे पैसे लेके हमारी फीस में ना भर दे। और अगर ऐसा हुआ तो नितिन को तो स्कूल छोड़कर जाना ही पड़ेगा। एक आइडिया है। क्या? हम अभी किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। हम थोड़ा समय निकल जाने के बाद घर पे सब कुछ सच सच बता देंगे। तुम अपने मम्मी पापा को बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं तो बता ही दूंगा। और फिर पड़ेगी तुम्हें जोर से डांट और मुझे आएगा मजा। Thank you so much. Hey Nitin, दोस्ती में एक रूल होता है जिसमें नो सॉरी नो थैंक यू। ओके ओके सॉरी। लेकिन तुम लोग ने मेरे लिए जो किया है वो तो कोई नहीं करेगा यार। नितिन, अब तो हमारे साथ हमारे क्लास में बैठेगा, हम तो इसी से खुश हैं। हाँ, और मैंने प्रिंसिपल सर को भी बता दिया है। सर को क्यों बताया कि तेरे फीस के पैसे हमने दिए? अरे नहीं नहीं, मैंने सर को ये नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ ये बताया कि मैंने 3 महीने की फीस भर दी। अच्छा हुआ नितिन, तूने किसी को नहीं बताया कि असली हेल्प तो वही होती है ना जो बिना किसी को बताई की जाती है। और पता है, सर ने ये भी कहा कि मेरी मम्मी के पास टाइम है मेरी स्कूल की बाकी फीस भरने के लिए। वेरी गुड नितिन, मतलब तू बिना टेंशन के क्लास में बैठ सकता है। Yes! 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 Y
सुना? हाँ बस सुना। और ये भी जाना कि मानव सचिन सलोनी कितना महान है। हाँ बॉस, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए उनकी बातें सुनकर। आज पता चला कि कहाँ वो आसमान के तारे और आप धरती की धूल। बेवकूफो, मैंने तुम्हें उनकी तारीफ करने को नहीं कहा है। बस चाहते तो हम भी है कभी आपकी तारीफ करें, पर आप में वो तारीफ वाली बात तो हो। हाँ, ना शक्ल अच्छी ना अकल, मोटा पेट और क्लास में लेट। हाँ, खेल कूद में हर और पढ़ाई में बेकार, तारीफ करे तो क्या करे। मेरी एक चीज बहुत अच्छी है। क्या? मेरे मुक्के। इसे खाने के बाद सबकी अकल ठिकाने आ जाती है। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास एक प्लान है। वो पिद्दी अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताएंगे कि उन्होंने अपने फीस के पैसे नितिन को दिए। अरे बॉस, यही तो ग्रेटनेस है उनकी। नहीं, ये उनकी बेवकूफी है, क्योंकि ये बात अब हम बताएंगे। बॉस, फिर तो उनके पेरेंट्स उन्हें शाबाशी देंगे, कहेंगे कि कितना ग्रेट काम किया है। वो तो तब होगा जब इंटेलिजेंट किड्स उन्हें बताएंगे कि उन्होंने नितिन को पैसे दिए। जब वो ऐसा करेंगे नहीं तो उनके पेरेंट्स उन्हें डांटेंगे, उन्हें मारेंगे, फिर उन्हें मिलेगी पनिशमेंट, फिर उन्हें स्कूल से निकाल देंगे। वाह बॉस, वाह 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 वाह। देखा, मेरे मुक्के खाने के बाद आ गई ना कल, आई ना। आई आई आई। कौन हो तुम जिसने हिम्मत की विनाश लोक में आने की? मैं बालवीर हूँ। बालवीर, बहुत नाम सुना है तुम्हारा, बहुत विनाश किया है तुमने बुराई का, लेकिन कोई बात नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। इस विनाश लोक में ये पुच्छल विशाली तुम्हारा विनाश जरूर करेगी। पुच्छल विशाली, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तुम्हारी बातें सुनने का, और ना ही मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो, इसी में तुम्हारी भलाई। विनाश लोक में अच्छाई अपने विनाश बिना आगे नहीं बढ़ सकती। बालवीर, देखो मेरा भयंकर परी के पास जल्द से जल्द पहुंचना बहुत जरूरी है, और मेरा तुम्हें रोकना बहुत जरूरी है। देखो, देखते तो अब तुम रह जाओगे बालवीर। पुच्छल विशैली का विष तो सचमुच बहुत खतरनाक है। इसका विष मुझे छू भी गया तो मेरा बचना असंभव होगा। आओ, करो मुझसे मुकाबला।